हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम फिर से बनाने वाले हैं एक और नई डिजाइन की पोशाक। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम घाटू श्याम जी के लिए। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हैं और ये मैंने 10 नंबर सिलाई ली है। और देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे डाले हैं तरेफन फंदे डाले हैं मैंने ये। और तरेफन फंदे डालने के बाद मैंने दो सिलाइयाँ बनाई हैं। देखिए यहाँ पर ये जामनी कलर से, ये देखिए दो धारी आपको दिख रही होंगी, एक दो। तो दो सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे उल्टी तरफ से अपना ऑरेंज कलर लगा दिया है और उससे मैंने एक सिलाई बना ली है उल्टी तरफ की। तो यहाँ पे आ गए हैं हम सीधी सिलाई में। तो फ्रेंड्स, कलर आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको घाटू श्याम जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको ये घाटू श्याम जी की पोशाक कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, बुल को अपनी तरफ करेंगे, सॉरी हमें सीधा सीधा ही बनाना है। ये दो सिलाइयाँ बनाई हैं हमने फंदे डालने के बाद उल्टी उल्टी, अब हम यहाँ पर सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये घाटू श्याम जी के लिए पोशाक बताऊंगी, जिसे बनाकर आप अपने घाटू श्याम जी को पहना सकते हैं। इसके साथ का हम उनकी चुन्नी भी बनाएंगे, जो उनके गले में डली रहती है वो वाली चुन्नी भी बनाएंगे हम इसके साथ की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तरेफन फंदे लिए हैं, तो हमें 26 फंदे बनाने हैं। पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये देखिए आधे फंदे हमने बनाने हैं और आधे ही फंदे हमारे इधर रहेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये 2, 26। और एक फंदा हमारा जो हमारे तरेफन फंदे हैं, तो एक फंदा बचेगा, ये हमारा यहाँ पे सेंटर का रहेगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए एक फंदा हम और निकाल लेते हैं इधर से, एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और ये बीच वाला हमारा सेंटर का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम फंदे निकालेंगे और ये वाला फंदा हम आगे की तरफ लेंगे और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से भर भर के और ये वाला फंदा सेंटर का हम आगे डालेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से एक फंदा लिया है और यहाँ पे इसे सीधा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सीधा बनाना है और आगे के फंदे हम सीधे सीधे ही बना लेंगे। बहुत ही आसान है बनाने में। ये देखिए उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, उल्टी तरफ से हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं उल्टी सिलाई को बनाऊंगी। उल्टी तरफ से हमें इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाना है, सिर्फ सीधी तरफ से ही हम बनाएंगे।
बहुत ही आसान है बनाने में घाटू श्याम जी की ड्रेस, तो आप उनको भी ड्रेस बना करके पहना सकते हैं। जिनको नहीं आता है वो भी बड़े आराम से इसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बनाने में। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम ये, तो फ्रेंड्स मैं आप यहाँ पे शुरू में एक सिलाई हमने बना ली है तो मैं भूल गई थी, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक, सॉरी पहला फंदा हमें उतार के फंदे को अपनी तरफ ही करना है, और यहाँ पे एक हो गया, दो तीन चार, चार फंदे ये हमें इस तरीके से उल्टे उल्टे ही बनाने हैं, और वूल को पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे। तो ऐसे ही उधर बनाने हैं, दोनों तरफ हमें चार चार फंदे ये उल्टे बनाने हैं, यानी कि गांठ वाले। ये देखिए एक एक दो दो फंदे हमारे हर सिलाई में कम होंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदा। यहाँ पे देखिए दो चार छः आठ दस दो बारह चौदह सोलह अठारह बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, तो चौबीस फंदे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से इसी तरीके से, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, अब दोनों तरफ से हम एक एक फंदा यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, इसे निकालेंगे इस तरीके से, इसे आगे वाला फंदे को सिलाई में ले लेंगे और निकाल के इसे वापस इसी सिलाई में डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे दूसरी सिलाई में डाल लेंगे, और ये सेंटर वाला फंदा इसे ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे, और यहाँ पे एक फंदा इधर से लेंगे, तीन फंदे हम यहाँ पे, ये देखिए ये अपने सीधे बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब आगे के फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, देखिए बीस, और यहाँ पे ये चौबीस हो जाएंगे। चार फंदे, एक दो तीन चार, ये देखिए अब यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और एक दो सिलाइयाँ और बनाएंगे दोनों तरफ की, एक तरफ डालते हुए यहाँ पे इस वाले धागे को हम साथ में ऊपर लेते चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से टच कर लेंगे हर सिलाई में, यानी कि दो सिलाइयाँ बनाने के बाद, जिससे ये धागा हमारा साथ में ही चलेगा। ये देखिए अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी सिलाई बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम आ गए हैं सीधी सिलाई पे, तो यहाँ पे पहले फंदे हमने बना लिए चार, और अब ये पूरी सिलाई बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 23 फंदे बनेंगे, एक फंदा हमारा दोनों तरफ से एक एक फंदा हर सिलाई पे कम होगा। ये देखिए अब देखिए फिर से इसी तरीके से दोनों तरफ से, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, इसे इस तरीके से सिलाई में भरेंगे और इसे पीछे की सिलाई में डालेंगे, देखिए इस तरीके से इसे वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। देखिए तो यहाँ पे एक इधर से तीन फंदे हम फिर से एक साथ सीधे बना देंगे। ये देखिए आगे के फंदे बना लेंगे,
ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे बनेगा। अब देखिए चार फंदे इधर हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा। ये देखिए, आप देखिए फ्रेंड्स, हम अपना कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपना जामुनी कलर लगाएंगे। तो पूरी सिलाई हम इसी कलर से बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ ये वाली सिलाई। ओके फ्रेंड्स, आ गए हम सीधी सिलाई पे। तो इस सिलाई में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे और ये तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब बुल को पीछे करेंगे और इसमें भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से बनाएंगे, यानी कि नेट बीच में ये फरी डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, इसे इस सिलाई में भरेंगे और इस वाले फंदे को निकाल के इसे पीछे और यहाँ पे इसे वापस इसी सिलाई में डाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे तीन फंदे हम एक साथ बना लेंगे। ये देखिए, अब फिर से इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम ये पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाई है, जिस तरीके से हमने संतरी वाली सिलाई बनाई है, यानी कि ऑरेंज वाली। और ये चार फंदे हम बनाएंगे इधर उल्टे। ये देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे देखिए इस सिलाई के बाद एक सिलाई और बना सकते हैं इसी कलर से। तो यहाँ पे मैं एक ही सिलाई में बनाऊंगी, यानी कि दो सिलाइयाँ दोनों तरफ की बनानी है। उसके बाद हम फिर से अपना ऑरेंज कलर इसमें लगा लेंगे। ये देखिए, तो पूरी सिलाई हमें इसी से बनानी है, इसी तरीके से बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसी तरीके से, इसे थोड़ा लंबा कर लेती हूँ। और एक एक यानी कि दो दो सिलाइयाँ हम यहाँ पे ये जामुनी कलर से बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने ये बनाई है। और ये तीन तीन सिलाइयाँ ये हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर की बनानी है। तो चलिए इसी तरीके से बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने इतना देखिए यहाँ पे बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं, यहाँ पे देखिए। तो ये देखिए तीन सिलाइयाँ यहाँ पे ये हमने ऑरेंज कलर की बनाई थी, एक यहाँ पे जामुनी कलर की, और यहाँ पे ये दो फिर बनाई हैं ऑरेंज कलर की, और एक ये फिर जामुनी कलर की। और ये यहाँ पे तीन सिलाइयाँ बनाई हैं, ये हमने ऑरेंज कलर की और ये एक जामुनी कलर की। और इसके बाद बनाई है हमने देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सिलाइयाँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारी सिलाइयाँ बनी हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस। ये देखिए 19 सिलाइयाँ बनी है हमारी यहाँ पे, और ये दो सिलाइयाँ यहाँ पे ये हमने बनाई थी फंदे डालने के बाद। टोटल हमारी सिलाइयाँ यहाँ पे 21 सिलाइयाँ हो गई हैं, यहाँ से यहाँ तक 21 सिलाइयाँ बनी हैं। और देखिए हमारे पास बचे हैं यहाँ पे 15 फंदे। देखिए दो चार छः आठ दस दो बारह चौदह एक पंद्रह, ये 15 फंदे हमारे पास बचे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो अब देखिए हमें जामुनी कलर से बनाना है। ये देखिए जामुनी कलर से बनाएंगे सारे फंदों को। अब हम यहाँ पे सिर्फ उल्टा उल्टा ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जामुनी कलर से हमें
बनाना है। ये देखिए तो सारे फंदे हमें ये इसी से बनाने हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से हम उल्टा ही बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे दोनों तरफ से, इधर से भी। ये देखिए तो यहाँ पे ये हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे ये हम चार सलाइयाँ बनाएंगे इस तरीके से, यानी कि चार धारियाँ। इधर से भी बना लेते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसी तरीके से उल्टा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमने तीन सलाइयाँ बनाई हैं। ये देखिए एक दो तीन। अब देखिए यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए नेट डालेंगे। तो हम पहले फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से दो फंदे एक साथ बनाएंगे और सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर आगे करेंगे, फिर इसी तरीके से दो फंदे एक साथ बनाएंगे और सीधा बना लेंगे, फिर अपनी तरफ करेंगे। और ये देखिए हर फंदे को हम इसी तरीके से बनाएंगे, जिसमें हम डोरी डाल सकते हैं। ये देखिए ये देखिए अब देखिए यहाँ पे हम ये इधर की सलाई सीधी, सॉरी उल्टी तरफ की बनाएंगे, उल्टी उल्टी, और सीधी तरफ हम अपने सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए तो सारे फंदे हम अब बंद कर देंगे सीधी सीधी सिलाई पर। और ये हमारे घट्टू श्याम जी की ड्रेस बन जाएगी। अब हम इसके साथ की चुन्नी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो चलिए मैं बंद कर देती हूँ सारे फंदे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चुन्नी बनाने के लिए 14 फंदे डाले। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, दोबारा 14 फंदे डाले हैं। यहाँ पे ये देखिए एक सिलाई हम बना लेंगे इस तरीके से उल्टी उल्टी। फंदे डालने के बाद हमने बनाई है ये एक सिलाई बना रहे हैं उल्टी उल्टी। ये देखिए अब देखिए इधर से हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे, तो 2 का 1 कर देंगे इधर। दोनों तरफ से ही हम फंदे घटाएंगे। ये देखिए इधर से हमने एक फंदा घटाया था, अब इधर से घटाएंगे एक फंदा, 2 का 1 करेंगे और सारे फंदे हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए अब ऐसे ही इधर से घटाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से हमें एक एक फंदा घटाना है। इस तरीके से तो चलिए मैं यहाँ पे घटा लेती हूँ। और हम हमारे पास बचेंगे यहाँ पे 6 फंदे रखेंगे हम। ये देखिए तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। अब इन 6 फंदों को हम दोनों तरफ से इसी तरीके से बनाते हुए पूरा करेंगे।
इसे हम थोड़ा लंबा कर लेंगे इसी तरीके से बनाते हुए दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से बनाते हुए पूरा करना है। ये देखिए इस तरीके से पहले हम उतारेंगे वूल को अपनी तरफ और पूरी सिलाई में इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इस तरीके से, फिर आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। कि फ्रेंड्स हमने इस तरीके की एक लंबी पट्टी बना ली है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हम इस तरीके का डिजाइन इधर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए सिलाई के ऊपर से वूल को लपेटते हुए हम यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से बढ़ा लेंगे। हमें दोनों तरफ से फंदे बढ़ाने हैं इसी तरीके से, ये देखिए ऐसे ही इधर से सिलाई के ऊपर से वूल को लपेटते हुए इधर से भी फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए ऐसे ही इधर से फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फ्रेंच 14 फंदे कर लेंगे बनाते हुए, जैसे कि हमने शुरू में 14 फंदे डाले थे तो इधर भी हमें 14 फंदे ही करने हैं। ये देखिए ऐसे ही इधर से फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब देखिए दो फंदे और बढ़ेंगे हमारे, एक और एक फंदा हमारा इधर से पड़ेगा। तो हमारे पास हो गए हैं पूरे 14 फंदे। ये देखिए अब देखिए फ्रेंड्स इधर से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दो का एक करते हुए सारे फंदों को हम बंद करेंगे। ये देखिए तो सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं और ये हमारी इसके साथ की चुन्नी भी तैयार है। तो नॉट लगा करके हम धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चुन्नी बनकर तैयार है इसके साथ की, ये देखिए। तो यहाँ पे ये हमारी घाटू श्याम जी की ड्रेस बनकर कंप्लीट है। ये देखिए हमने इसमें डोरी भी डाल दी है और ये इसके साथ की चुन्नी है, ये देखिए। तो अगर आपको छोटी लग रही है चुन्नी तो आप इसे और भी लंबा कर सकते हैं इसी तरीके से, जितना मर्जी उतना इसे हम लंबा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की ये हमारी घाटू श्याम जी की ड्रेस बनकर कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये घाटू श्याम जी की ड्रेस कैसी लगी।